Good afternoon, class 7 students. So, welcome back again. So, today we are going to start our chapter 8, the new lesson chapter 8, A Tiger Comes to Town, part 1. Before that, I'd like to say that I have already given you the information about the writer of this story, autobiography. It is an autobiography about a tiger. I have given the information about its writer, that was R.K. Narayana, and I hope you all have done the beautiful paragraphs on him. So now, dear student, it is time to start what he has written for us. So let us go through it. First of all, let us see in the box what is there. A Tiger Comes to Town, Part 1. The narrator, the eye. In this story is a huge tiger who has escaped from a circus and is roaming about in a city. He does not have a good opinion of human beings. Let's find out the reasons. A tiger comes to a town, part 1. ये heading में ही ये कहा गया है कि tiger शहर में घुसा हुआ है. So यह box में बताया गया है कि I, it is autobiography of a tiger. I, tiger है यहाँ पे. जो यहाँ पे राइटर खुद एक टाइगर बन के ये सब ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ लिखा है यहाँ पे. सो यहाँ पे सर्कस से एक टाइगर एस्केप हुआ है, सर्कस से भागा हुआ है. सो ही कम्स टू द टाउन, ही मीट्स द डिफरेंट पीपल, टाउन का डिफरेंट पीपल को देखता है, रिएक्शन क्या होता है वहाँ पे. एंड दिस टाइगर डजेंट हैव द गुड ओपिनियन ऑफ ह्यूमन बींग्स. गुड ओपिनियन का मतलब होता है अच्छा विचार नहीं था, अच्छा विचार लेते नहीं थे, अच्छा इसका मतलब नेगेटिव था उसका जो फीलिंग्स था ह्यूमन बींग्स के ऊपर वो नेगेटिव था. नाउ लेट अस गो थ्रू द पैसेज. इट वॉज स्टिल अ बिजी आवर इन द सिटी व्हेन आई एंटर्ड मार्केट रोड. एकदम बिजी टाइम था जब मैं मार्केट में इंटर किया. या टाइगर खुद बोल रहा है एक पोइट के थ्रू से. पीपल रैन for their lives, sorry, poet ne writer ke through se, people ran for their lives at the sight of me. Sab people idhar udhar bhag raha tha. Ab akasmat sher aayega, aa jata hai, to hum log to dar hi jayenge. We will feel afraid of it, so we will run here and there, isn't it? Hum log bhi bhag jate hai idhar udhar. So in the same way, marketplace mein jab sher aaya, bhag aaya, tiger aaya, to us time sab aadmi भाग गया उसका नज़र से. As I progressed through, shutters were pulled down and people hid themselves under culverts. अब जब मैं अपना पायला जो है अपना पैर का पैर आगे बढ़ाया, जब मैं मेरा मूवमेंट आगे बढ़ाया, तो उस टाइम शहर में जितना मार्केट प्लेस में जितना भी आदमी था वो अपना अपना दुकान का शटर बंद करने लग गया, घर का शटर बंद करने लग गया. एंड द पीपल दे वर हाइडिंग इनसाइड द कलवर्ट, अंडर द कलवर्ट्स. कलवर्ट्स का मतलब होता है पुलिया. हम लोग जो पानी बहने के लिए अंडरग्राउंड एक नाला बनाया गया हुआ होता है उसके ऊपर में चलते हैं हम लोग. सो उसको हम लोग कलवर्ट कहते हैं. तो कलवर्ट के नीचे जाके छुप रहा था. ऑन ट्रीज एंड बिहाइंड पिलर्स, कोई पेड़ में चढ़ रहा था, कोई पिलर्स के पीछे खंभा के पीछे छुप रहा था. द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट. द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट का मतलब होता है थोड़े थोड़े करके जो क्राउड ऑफ पीपल था वो कम होते जा रहा था. एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर. सर्कस में मुझे ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन का क्रियाकलाप वो देखने अथवा वो जानने के लिए समय नहीं मिलता था सर्कस में. आउटसाइड द सर्कस, सर्कस रिंग, दे सैट इन देयर सीट्स प्लेसिडली व्हाइल आई कवर्ड बिफोर कैप्टन्स व्हिप. अब यहाँ पे सर्कस के बारे में बता रहा है. सर्कस में मुझे इन आदमी लोग का एक्टिविटीज़ जो क्रियाकलाप स्टडी करने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि मैं रिंग के अंदर होता था और ये रिंग के बाहर सीट पे एकदम प्लेसिडली का मतलब होता है काम एंड प्लीजेंटली एकदम शांत तरीके से बैठा हुआ होता था और मैं
अपना कैप्टन्स का व्हिप, कैप्टन्स का व्हिप का मतलब होता है कोर्रा, चाबुक। कैप्टन का वो चाबुक को देखकर मैं घबराए हुए एक क्राउचिंग पोजीशन में लंबा सा उसके आगे सिर झुका के बैठता था। आई गॉट अ टोटली रॉन्ग नोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एट दैट एंगल। आई हैड थॉट दैट ह्यूमन बींग्स आई हैड थॉट दैट दे वेर स्टडी एंड फियरलेस, बट नाउ आई फाउंड देम फ्लीइंग बिफोर मी लाइक अ हर्ड ऑफ डियर। नाउ यहाँ पे टाइगर का एक सोच था कि ह्यूमन बींग्स एकदम स्टडी एंड फियरलेस, ना डरने वाला और एकदम जिद्दी टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे जब ये शहर में पहुँचा, मार्केट प्लेस में पहुँचा, तो आदमी सब भाग रहा था। ये देखकर उसको जो सोच था, नोशन का मतलब होता है सोच, उसका सोच गलत निकला, गलत साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे आदमी सब भाग रहा था एज इफ जो डियर भागता है शेर को देखकर, इस किस्म से सब आदमी भाग रहे थे। सो ही गॉट इज नोशन रॉन्ग। ऑल्दो आई हैड नो इंटेंशन ऑफ अटैकिंग देम, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था उन लोगों को चोट पहुंचाने अथवा उन लोगों को हानि पहुंचाने के लिए, फिर भी वो लोग भाग रहे थे। व्हेन आई पॉज्ड इन फ्रंट ऑफ अ टेलर शॉप, ही अबैंडन्ड हिज मशीन एंड शॉट हिमसेल्फ इन अ कपबोर्ड वेलिंग, अलास आई एम अनडन, वॉन्ट समवन शूट दैट टाइगर। अब यहाँ क्या, वो चलते चलते क्या हुआ, टेलर शॉप के आगे वो जाके रुक गया। तो उस टाइम जब ये टाइगर को टेलर ने देखा, तो टेलर वो अपने आप को क्या किया, मशीन से हटा, दूर किया, भाग गया मशीन को छोड़ के, और वो कबोर्ड में छुपने की कोशिश किया अथवा कबोर्ड के अंदर वो खुद को छुपा लिया, और वो चिल्ला रहा था, अरे मैं मर गया, मैं मर गया, कोई नहीं है ये टाइगर को मारने वाला, ऐसे करके चिल्ला रहा था। सो दिस वॉज द पैराग्राफ्स। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। अ प्रिजनर बिटवीन टू कॉन्स्टेबल्स गट हिज चांस टू एस्केप व्हेन द कॉन्स्टेबल फ्लेड अबैंडनिंग हिम विथ हिज हैंडकफ्स। नाउ यहाँ पे एक प्रिजनर आ रहा था दो कॉन्स्टेबल के साथ में, तो उस टाइम जब टाइगर को देखा, ये दो कॉन्स्टेबल भी उसको हैंडकफ के साथ में ही प्रिजनर को छोड़ के वो लोग भी क्या हो गया, फुर हो गया, भाग गया वो शेर को देखकर। नाउ लेट अस सी अनदर पैराग्राफ। आई टोर अ हॉर्स फ्रॉम हिज जुटका एंड एंजॉयड द साइट ऑफ द पैसेंजर्स स्पेलिंग आउट ऑफ इट एंड रनिंग फॉर देयर लाइव्स। जुटका का मतलब होता है कैरेज, हॉर्स कैरेज होता है घोड़ा गाड़ी, जो घोड़ा का उसने क्या किया, घोड़ा गाड़ी पे अटैक किया घोड़ा कैरेज में, हॉर्स कैरेज में, और क्या किया, उसको अलग कर दिया, घोड़े को अलग कर दिया। उसने इस टाइम क्या किया, क्या हुआ, पीपल सब जो बैठे हुए थे वो सब क्या हुआ बाहर। स्पिलिंग का मतलब होता है स्पेशली हम लोग जब पानी बर्तन में डालते हैं तो ज़्यादा होने के बाद स्पिल होता है, बाहर निकलता है, पोंखता है, ज़्यादा होकर बाहर निकलना। ऐसे ही आदमी भी क्या कर रहा था, देवर स्पेलिंग आउट एंड देवर रनिंग फॉर देयर लाइफ, वो लोग इधर उधर भाग के अपना जान बचा रहा था। नाउ लेटर आई लर्न फ्रॉम माई मास्टर ऑफ द चाओस दैट वी फेल द सिटी व्हेन इट बिकेम नोन दैट कैप्टन हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड दैट आई वॉज समवेयर इन द सिटी। नाउ लेटली मुझे मालूम पड़ा है वो क्राउड ऑफ चाओस पीपल जो था, मैं कहाँ हूँ, मैं तो सर्कस से बाहर निकल गया हूँ और मेरा मास्टर मेरे साथ में नहीं है, ये उसको लेटली पता चला। पहले तो ये यही सोच रहा था कि एज ही वॉज एक्टिंग इन द सर्कस, बट लेटली ही फाउंड दैट ही वॉज इन द मिडल ऑफ द क्राउड ऑफ द सिटी एंड देर वर लॉट्स ऑफ चाओस इन द सिटीज मेड बाय द पीपल। एंड उसको तो यही लग रहा था कि सब ये पीपल सर्कस का है और सर्कस से वो सब क्या कर रहा है, उसको वाह कर रहा है या तालियां बजा रहा है, लेकिन बट ही वॉज रॉन्ग, ही हैड लॉस्ट हिज मास्टर एंड ही हैड एस्केप फ्रॉम द सर्कस एंड ही वर समवेयर इन द स्ट्रीट ऑफ द सिटी। नाउ लेट अस सी, शीयर होपलेसनेस सीम्स टू हैव सीज द टाउन्स पीपल। शीयर होपलेसनेस का मतलब होता है, होपलेसनेस का मतलब होता है नर्वसनेस, क्या होना, थोड़ा
आशा खो जाना, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्या हो गया यहाँ पे, अब जो टाइगर देखा तो जो उन लोगों का आशा था, आशा बोलते हैं हम लोग, तो वो सीम्स टू हैव सीज्ड स्टॉप, सीज का मतलब होता है स्टॉप, रुक जाना, उन लोगों का जो जीने का आशा था वो आशा रुक गया, जैसा जब शेर को देखा। हम लोग को भी वैसा फीलिंग होता है, वी डू हैव द सेम फीलिंग। लेट अस गेस दैट, लेट अस टेक एन एग्जांपल, वी आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, अथवा वी आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड सडनली इफ वी सी अ ड्रेडफुल टाइगर इन फ्रंट ऑफ अस, व्हाट हैपन टू अस, हम लोग कुछ सोचेंगे नहीं उस टाइम, हम लोग को यही लगेगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, और वी विल फ्ली इन सच अ टाइप दैट विदाउट थिंकिंग वी विल फ्ली फ्रॉम दैट एरिया, इजंट इट। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। दे विथड्रू टू देयर होम्स एंड इवन देयर रिमेंड नर्वस। अब वो लोग भाग भाग के अपने घर के अंदर छुप रहा था, और घर के अंदर भी वो लोग क्या था, नर्वस, चिंतित था, वो लोग अभी तक श्योर नहीं था कि टाइगर हम बच सकेंगे, सो दे वर ऑल नर्वस इनसाइड द होम ऑल्सो। ऑल डोर्स एंड विंडोज वेर शॉट एवरीवेयर, बोल्टेड एंड सील्ड, सब खिड़की दरवाज़ा बोल्टेड, खिड़की ना लगाया हुआ था, एंड सील्ड बहुत तगड़ा तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से सील किया गया। सम इवन थॉट दैट आई वॉज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर हु माइट पास थ्रू द वॉल्स एंड लाई इन वेट ऑन द रूफ और इन द लॉफ्ट और बेसमेंट। नाउ यहाँ पे बताया गया कि कोई कोई तो ये भी सोच रहा था कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनयूजुअल क्रिएचर हूँ, असामान्य, कि मैं घर के लॉफ्ट, लॉफ्ट का मतलब होता है जो रूफ होता है, रूफ के नीचे और सीलिंग के ऊपर जो हम लोग भाग बना, जो स्पेस बनाते हैं वो जगह को लॉफ्ट बोलते हैं, बेसमेंट तो आप लोग मालूम ही है। सो ये जगह में छुप के बैठेगा और हम लोगों को अटैक करेंगे। सो सम पीपल थॉट लाइक दैट। नाउ लेट अस सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ द मार्केट एंड ऑल द पीपल आर क्लोजिंग देयर शटर्स, दे वर रनिंग फॉर देयर लाइफ, दे आर रनिंग फॉर देयर लाइफ। सो दिस वॉज द चाओस इन द सिटी, द इन द मार्केट प्लेस ऑफ द सिटी। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। Poor people living in huts had real cause to worry. I could have taken any of their homes apart. Now यहाँ पे जो गरीब जनता है, जो huts में रहता है, उन लोगों के लिए तो मैं बहुत बड़ा समस्या था, मैं बहुत बड़ा क्या था, समस्या था। मैं उन लोगों का जो घर है, जो weak huts, तो weak ही होता है, ये स्ट्रांग मैंडेट नहीं होता, ये वीकली मैंडेट होता है। सो उसको तो टाइगर क्या कर सकता है, इजीली टर्न अप कर सकता है, अथवा इजीली उसको ब्रेकअप कर सकता है। बट वाई शुड आई, वन कुड अंडरस्टैंड देयर फियर्स, बट वाई शुड दोज लिविंग इन ब्रिक एंड सीमेंट हाउसेस फील नर्वस। ठीक है, ये दोनों हट्स में रहने वाला तो माना वो अंदर गया और मुझसे डर रहा है अभी भी, लेकिन ये जो ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स और सीमेंट से बना हुआ घर, जो पक्का हाउसेस है, जो एकदम स्ट्रांग हाउसेस है, वो लोग क्यों नर्वस देख रहा है, अगर वो लोग क्यों डर रहा है, वो लोग क्यों डर रहा है, ऐसे करके वो खुद को प्रश्न कर रहा है। नाउ लेट अस सी, इट वाज ड्यू टू देयर जनरल लैक ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एन इरेशनल फियर ऑफ लूजिंग देयर एसेट्स। अब यहाँ पे एकदम अच्छा बात कहा गया है कि जो पैसा वाला होता है वो टेंशन, हर वक्त टेंशन, हर टाइम होपलेस, अथवा हर टाइम उन लोगों को चिंता रहता है, सिर्फ लाइफ के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए उन लोगों के लिए चिंता होता है। मान लीजिए यहाँ पोर पीपल सिर्फ लाइफ के लिए यहाँ पे चिंता हो रहा है, डर मान रहा है, वो घर के अंदर गया भी तो फिर भी वो लोगों को चिंता हो रहा है टाइगर अंदर आ सकता है, लेकिन जब ये सीमेंटेड जो बिल्डिंग में आदमी घुसा, उन लोग भी डर रहा था, लेकिन क्यों, क्योंकि उन लोगों को ये था कि कहीं टाइगर अटैक करके अपना जो एसेट्स, संपत्ति पे नुकसान कर देगा,
जो उन लोगों का संपत्ति था, चीज भी सर सामान उसको अटैक करेगा, इस चीज़ में वो लोगों को सिक्योरिटी फीलिंग नहीं था। वो लोग डर इस बिना कारण वो डर रहा था। इरेशनल फियर का मतलब होता है, इरेशनल मतलब विदाउट रीजन, रीजनल रीजन ही नहीं था वहाँ पे, वो बेकार में वो डर मान रहा था। वाई शुड एन ऑर्डिनेरी सिंपल टाइगर हैव एनी इंटरेस्ट इन देम आइदर टू डिस्ट्रॉय और टू सेफ गार्ड? और ये टाइगर को इंटरेस्ट क्यों लगता है उन लोगों का जो संपत्ति को अटैक करना, डिस्ट्रॉय करना, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। ही डजेंट लाइक कोई टाइगर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइगर अथवा कोई ऑर्डिनरी टाइगर, ये सामान्य टाइगर ये चीज़ नहीं करेगा। अब लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आई रेस्टेड फॉर अ मोमेंट एट द डोर ऑफ आनंद भवन एंड ऑन मार्केट रोड वेयर कॉफी ड्रिंकर्स एंड टिफिन ईटर्स एट देयर टेबल्स सैट ट्रांसफिक्स। ट्रांसफिक्स का मतलब होता है विदाउट मूवमेंट, हलचल किए बिना वहाँ पे रहना। अब जब ये टाइगर चल रहा था तो वो आनंद भवन चला गया जो मार्केट रोड में था, वहाँ पे बहुत सारे पीपल था, आदमी था, कॉफ़ी खा रहा था, टिफ़िन खा रहा था। टिफ़िन ईटर का मतलब टिफ़िन से खाना खाना, जो टेबल में बैठा हुआ था। जब टाइगर को देखा तो देर वेयर नो मूवमेंट, देर वेयर नो नॉइस, इट दे वेयर ट्रांसफिक्स्ड। नाउ लेट अस सी, अटरिंग लो मोन्स ऑन सीइंग मी। अटरिंग लो मोन्स का मतलब होता है ट्रांसफिक्स विदाउट मूवमेंट बट स्पीकिंग वेरी स्लोली, वेरी क्वाइटली, साइलेंट विस्पेरिंग कहते हैं। लो मोन का मतलब विस्पेरिंग, मोन का मतलब होता है दुख व्यतीत करना। अब क्या कह रहा था वो लोग लो मोन में, तो वो लोग का एक फीलिंग्स बता रहा था। नाउ लेट अस सी, आई वॉन्टेड टू एश्योर देम डोंट फियर, आई एम नॉट आउट टू ट्रबल यू, ईट योर टिफिन इन पीस, डोंट माइंड मी, यू नियरेस्ट टू मी हगिंग द कैश बॉक्स, यू आर क्रेवन विथ फियर, afraid even to breathe. Now listen to me, dear student. यहाँ पे टाइगर एक बात बताना चाहता है कि वो शहर में ऐसा ही आया था या पीपल को तंग करने के लिए नहीं आया था, but accidentally he came there. वो मन खुद को ये बता रहा है कि आदमी को एश्योर कर रहा है कि मैं किसी को हानि नहीं करूँगा, किसी को मैं हर्ट नहीं करूँगा, but Only I want to see you all. मुझे सिर्फ देखना है। सो यहाँ पे बताया गया है कि वो टाइगर ये भी सजेस्ट कर रहा है, दो हिज स्पीकिंग इज नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर द पीपल, लेकिन उसका जो मन का उसका जो बात था, यहाँ पे राइटर ने बहुत अच्छी तरह से रखा है। वो मन ही मन से ये कहने जा रहा है कि अरे आदमी सब घबराइए, घबराओ मत, मैं ऐसे ही किसी को अटैक नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही किसी को नुकसान नहीं करूँगा, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं तो यहाँ सिर्फ देखूँगा, आप लोगों को शांति से देखूँगा, कुछ किसी को कोई नुकसान नहीं करूँगा, ऐसे ही करके वो बोल रहा है। यू नियरेस्ट टू मी हॉगिंग द कैश बॉक्स, जो मेरे नज़दीक में है, जो कैश बॉक्स, अब ये आनंद भवन था, इट मे बी इट्स अ कॉफ़ी शॉप ऑल्सो, उस पर कैश बॉक्स जो पकड़ा हुआ आदमी था उसको बोल रहा है, यू आर क्रेवन विथ फियर, कवार्डली विथ फियर, एकदम तुम डर के मारे बहुत कांप रहे हो, डर के मारे तुम बहुत घबराए हुए हो, विथ फियर, एफ्रेड इवन टू ब्रेथ, सांस भी नहीं ले पा रहे हो। गो ऑन, काउंट द कैश इफ दैट्स योर प्लेजर, जाओ अपना पैसा जो कैश बॉक्स में उसको गिनो, तुम्हें उस पर आनंद लगता है तो वो गिनो, तुम्हें मैं नुकसान कुछ नहीं पहुँचाऊँगा, ऐसे करके टाइगर बता रहे है। I just want to watch, that's all. If my tail trails down to the street, if I am blocking your threshold. Now यहाँ पे बता रहा है टाइगर कि मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम लोग अपने अपने काम करो, अपने अपने टिफिन खाओ, अपने अपने बातें करो और चुपचाप रहो। मैं उसने जो कैश काउंटर में बैठने वाला आदमी को कह रहा है, तुम अपने पैसा खुद गिनो, आनंद से गिनो, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मुझसे डरो मत, डोंट बी सो कवर्ड, ऐसे करके वो सबको बता रहा है। दो इट इज़ नॉट अंडरस्टैंड बाय अदर्स बट बाय आवर राइटर, ही वॉन्ट्स टू डिलीवर दिस मैसेज टू द पीपल दैट टाइगर दे डोंट वॉन्ट टू हार्म द पीपल
विदाउट रीजन, कोई भी कारणवश कारण के बिना कारण के टाइगर किसी को अटैक नहीं करता है, ये मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहा है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे बता रहा है दूसरा में हम लोग, आई जस्ट वॉन्ट टू वॉच दैट्स ऑल, मैं सिर्फ देखना है। इफ माई टेल ट्रेल्स डाउन टू द स्ट्रीट, इफ आई एम ब्लॉकिंग योर थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड का मतलब दहलीज अथवा दरवाजे जो होता है, दरवाजे के ठीक नीचे का जो जगह होता है, अंदर बाहर आने के जो स्पेस होता है, शायद या तो मैं वो ब्लॉक कर रहा हूँ या सब इसीलिए सब घबरा रहा है। सो यू गो ऑन विथ योर बिजनेस, ऐसे करके बता रहा है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट, थ्रेशहोल्ड। इट इज़ बिकॉज आई एम टोल्ड दैट आई एम 11 फीट टिप टू टेल, आई कांट हेल्प इट, आई एम नॉट आउट टू किल, आई एम टू फुल, आई फाउंड अ ग्रीन पास्चर फुल ऑफ फूड ऑन माई वे। नाउ यहाँ पे टाइगर बता रहा है कि मैं तुम्हारा दहलीज अथवा दरवाजे का जगह ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, क्या करूँ, मेरा वेट ही अथवा मेरा साइज ही इतना है, 11 फीट का है, और मेरा जो टेल है शायद ये लंबा भी है। सो ये इसी के कारण सब जगह मैं ले रहा हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई कैन हेल्प इट, आई एम नॉट आउट टू किल, मैं मारने किसी को मारने के लिए या नहीं आया हूँ। आई एम टू फुल, मैं बहुत स्टोमाक से फुल हूँ, मुझे भूख नहीं लगा है। क्यों भूख नहीं लगा है? क्योंकि उसने आते समय क्या हुआ, ग्रीन पास्चर, उसने ग्रीन पास्चर का मतलब होता है हरा भरा लैंड, जो हम लोग पास्चर का मतलब होता है खेती के लिए यूज़ करने वाला लैंड, वहाँ जगह में उसने बहुत सारा खाना खाया था, एंड हिज स्टोमैक वॉज फुल। आई वॉन्ट स्टे नॉट अंटिल आई फील हंग्री अगेन, मैं स्टे में इधर उधर नहीं खाना नहीं ढूंढूंगा अथवा मैं किसी को तंग नहीं करूंगा जब तक मुझे फिर से भूख ना लगे। टाइगर्स अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री, अनलाइक ह्यूमन बींग्स हु स्लॉटर वन अनदर विदाउट पर्पज और हंगर। नाउ यहाँ पे बता बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि इवन अ फियर्शियस टाइगर दे डोंट अटैक ईच अदर और दे डोंट किल अदर क्रिएचर्स विदाउट रीजन, कोई कारण बिना वो किसी को अटैक नहीं करता है, किसी को मारते नहीं है। हाँ, उन लोगों को भूख लगा है उसी टाइम सीमित उन लोगों का भोजन अटैक करता है और उसको खा लेता है, लेकिन इन कंपेयरिंग टू ह्यूमन बींग्स तो आज का दिन में एक अर्का का दुश्मनी हो गया है, वो हर टाइम मारकाट करते रहता है। दे डोंट हैव द पर्पज ऑफ फाइटिंग का कोई पर्पज ही नहीं होता है, तभी भी वो लोग क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। उन लोगों को हंगर बोल रहा है, हंगर का मतलब होता है पैसा का, माने पैसा का लालच, ये जो हंगरनेस टू अर्न मनी टू वेल्थ, इसी कारण ये सब हो रहा है। उन लोगों को थोड़ा पैसा से नहीं सेटिस्फाई नहीं होता है, उन लोगों को ज़्यादा चाहिए, इसीलिए वो स्लॉट करता है एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर दुश्मन बना हुआ है, हर चीज़ अपना ग्रीडीनेस फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक आपस में दुश्मन बना हुआ बैठा है। लेकिन ऐसा चीज़ एनिमल में नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर टाइगर, यहाँ पे टाइगर को बताया गया है एग्जांपल, टाइगर के साथ ऐसा नहीं होता है। वो लोगों का हर चीज़ का लिमिटेशन होता है, टाइम होता है, और विदाउट रीज़न किसी कारण बिना वो लोग कुछ करता भी नहीं है। नहीं तो अभी तक आप लोगों को मालूम है शहर में जो आया है हर कोई को वो अटैक करते हुए मारते हुए आना चाहिए था, लेकिन यह टाइगर खुद मन ही मन में बातें करते हुए आ रहा है। वो इट इज़ वेरी सरप्राइज टू सी द पीपल एंड देयर बिहेवियर, हाउ दे आर बिहेविंग टूअर्ड्स हिम। वो ये तो अभी भी बता रहा है कि मैं किसी को कुछ करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ मुझे देखना है और मुझे सिर्फ शांति चाहिए, और मैं किसी को अटैक नहीं करूँगा विदाउट रीज़न। अगर टाइगर को आप डंडा से मारोगे तो डंडा टाइगर भी तो आपको अटैक करेगा। सो इन दिस वे टाइगर बिना कारण विदाउट रीज़न किसी पे अटैक नहीं करता, ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे हम लोगों का राइटर। यहाँ पे आदमी से भी कंपेयर किया गया है कि आदमी टाइगर से भी बहुत नीची व्यवहार का है, नीचे व्यवहार का। जैसे टाइगर मारता है किसी को तो उसका रीज़न होता है,
लेकिन आदमी बिना रीजन ही सबको क्या करता है, टू फुलफिल द ग्रीडीनेस ही किल्स वन अनदर टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रेन. नाउ लेट अस से टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रेन. टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रेन स्कूल्स वेयर बींग हरिडली क्लोज. सब स्कूल अब क्योंकि टाइगर आ रहा था तो सब स्कूल जल्दी जल्दी क्लोज होने लग गया. चिल्ड्रेन ऑफ ऑल एजेस एंड साइजेस वेयर रनिंग हेल्टर एंड स्केल्टर. हेल्टर एंड स्केल्टर मतलब हॉट बॉडी में जल्दी जल्दी भागना. सब बच्चे कोई बड़ा कोई छोटा सब साइजेस का एजेस का साइज का बच्चा स्कूल से बाहर निकल के इधर उधर भाग रहा था स्क्रीमिंग जॉयसली. अब ये लोगों का डर में भी खुशी छुपा हुआ है. ये लोग टाइगर के कारण वो डर के मारे भाग तो रहा था लेकिन वहाँ स्कूल बंद हो रहा है इस खुशी में वो लोग खुशी भी था. नो स्कूल नो स्कूल टाइगर टाइगर दे वे शाउटिंग एंड लाफिंग एंड इवन इन्जॉयड बींग स्केयर्ड. अब यहाँ पे वो लोग डर मानने तो छोड़ो वो लोग तो बहुत खुशी हो रहा था कि टाइगर टाइगर करके वो चिल्ला रहा है और वो लोगों का स्कूल बंद होने के कारण वो लोग क्या हो रहा है दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी. दे सीम टू वेलकम मी. मुझे तो यही लग रहा था कि वो लोग बुला रहा है मुझे या तो वो हाँ वो लोग नज़दीक आना चाहता है मेरे. वो टाइगर टाइगर जब ये सुना तो दे वॉन्ट्स टू मीट मी ऐसे लगा टाइगर को. I felt like joining them, so I bounded away from the restaurant door and trotted along with them. So मैं वो रेस्टोरेंट से मैं bounded away वहाँ से निकल के बाहर आया. मैं बच्चे के ओर चले गए. With them at which they cried, the tiger is coming to eat us. अब बच्चे अब जब टाइगर उन लोगों के सामने आ रहे थे तो उन लोगों की तरफ आ रहा था तो बच्चे सब चिल्लाने शुरू किया. अरे टाइगर आ रहा है टाइगर हमें मारने के लिए आ रहा है ऐसे करके चिल्लाना शुरू कर दिया. द टाइगर इज कमिंग टू ईट अस लेट अस गेट बैक टू द स्कूल. हम लोग स्कूल में वापस चले जाएंगे टाइगर हमें मारने के लिए आ रहा है. आई फॉलोड देम थ्रू देयर स्कूल गेट व्हाइल दे रैन अप एंड शॉट देमसेल्फ इन द स्कूल हॉल सिक्योरली. वो लोग स्कूल के अंदर चले गए भागते हुए और मैं भी उन लोगों के पीछे पीछे गए लेकिन दे वेर सिक्योर. सिक्योर का यहाँ पे दे वेर इनसाइड द हॉल दे सिक्योर देमसेल्फ. वो लोग खुद को हॉल में बंद करके सिक्योर कर लिया. नाउ डियर स्टूडेंट वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू द अदर चैप्टर इन पार्ट बी अदर पैराग्राफ्स इन पार्ट बी. सो यू हैव टू लर्न ऑल द स्पेलिंग्स दैट इज अंडरलाइन इन द डिफरेंट पैसेजेस and you try to know their meanings also. That is your homework of today. We will stop here. We'll continue it tomorrow in the next class. Till then, have a nice time. Thank you for listening the video. Thank you and bye-bye.